आज के ट्रेडिंग सेशन में एक सेक्टर जो कमजोर है वो है मेटल। मेटल शेयरों की चमक फीकी हो गई है। मेटल सेक्टर का आज एक शेयर फोकस में है, कारण है इस स्टॉक में आई एक तरफा बिकवाली। हालांकि इसने कल ही अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए थे। कंपनी का मुनाफा 6 गुना बढ़ गया था, उसके बावजूद शेयर में भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही है। शेयर 611 रुपए पर खुला तो जरूर, लेकिन खुलते ही शेयर 611 रुपए से गिरकर 584 रुपए पर आ गया, यानी 8 से 9% तक करेक्ट हो गया। अब किस शेयर की बात हो रही है और कैसे आए हैं नतीजे, इन सब बातों को जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। आयरन और स्टील सेक्टर की दिग्गज कंपनीज जिंदल स्टील एंड पावर यानी JSPL ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए। पिछले साल के मुकाबले JSPL का मुनाफा 6 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन अनुमान के मुताबिक नतीजे आने के कारण शेयर आज बुरी तरह पिट गए। JSPL का शेयर 7.12% की गिरावट के साथ 588 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब मार्केट एक्सपर्ट और एनालिस्ट इस गिरावट पर क्या कह रहे हैं ये जान लीजिए। कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक आए हैं, इस खबर को बाजार पहले ही पचा चुका है। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण कमजोरी देखी जा रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन और वॉर के वजह से मेटल की कीमतों को लेकर संशय बरकरार है। इन सभी कारणों से JSPL का शेयर आज तगड़ी मार झेल रहा है। अब आइए जरा नतीजों पर। JSPL का क्वार्टर 2 में मुनाफा 219.3 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,390 करोड़ रुपए हो गया है। JSPL का क्वार्टर 2 में आय 9.4% बढ़कर 12,250 करोड़ हो गया है। वहीं JSPL का क्वार्टर 2 में एबिट यानी कामकाजी मुनाफा 18.3% बढ़कर 2,285.7 करोड़ हो गया है। अब आइए क्वार्टर 2 में मार्जिन कैसे रहे। JSPL का क्वार्टर 2 में मार्जिन 14.28% से बढ़कर 18.66% हो गया है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भयंकर बिकवाली के बाद इस शेयर में क्या किया जाए, तो चलिए JSPL पर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट क्या कहती है ये जान लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इस शेयर पर अंडरवेट की रेटिंग दी है, इसके मुताबिक शेयर 500 के लेवल तक गिर सकता है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक JSPL की सब्सिडरीज अभी प्रेशर में है, और तो और मार्जिन्स पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। रॉ मटेरियल्स की बढ़ती हुई कीमतों से कंपनी का बैलेंस शीट प्रभावित हो सकता है। अब आइए जरा CLSA पर। CLSA ने JSPL पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, इसके मुताबिक शेयर 720 रुपए के लेवल तक जा सकता है। CLSA के मुताबिक दूसरी तिमाही के नतीजे इनके अनुमान से कम आए हैं और कंपनी ने अपने एक्सपेंशन को डिले कर दिया है। कोकिंग कोल की बढ़ती कीमतें से कंपनी के बैलेंस शीट को नुकसान हो सकता है। अब जाते जाते JSPL के शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है ये भी जान लीजिए। अभी ये शेयर 7% की गिरावट के साथ 588 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में इसने 16% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल में शेयर ने निवेशकों को 27% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। शेयर का 52 वीक हाई 722.80 रुपए है और शेयर का 52 वीक लो 454.35 रुपए है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 60,389 करोड़ है। अब हमने आपको शेयर से जुड़ी तमाम बातों से आपको अवगत करा दिया है। अगर आपको शेयर में किसी भी तरह का पोजीशन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट विस्तार।